मेरा ये मानना है कि कल को अगर मान लीजिए वायरस की एक और वेव इंडिया में आ भी जाती है, तो इंडिया को ऑलरेडी बहुत बड़ा लर्निंग कर्व है। एक तो हेल्थ क्राइसिस को कैसे निपटना उसके लिए, और दूसरे बिजनेसेस के लिए भी कि कैसे हमको बैकअप प्लान एक्टिवेट करना है, कैसे हमको रिमोटली वर्क करना है, कैसे सप्लाई चेन हमने कोविड में मैनेज करी थी तो जो हमारा लास्ट टाइम का लर्निंग कर्व है उसको वापस कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कहाँ कॉस्ट कट करनी है, कैसे डिजिटल मीडिया को यूज करके करना है। तो इंडिया के पास काफी अच्छा बड़ा लर्निंग कर्व ऑलरेडी है। और जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, नॉलेज बेस है पहले का, तो मुझे ऐसा लगता है कि खुदा ना खास्ता पर अगर मान लीजिए अगर ये वेव आ भी गई तो ज्यादा लंबी टिकेगी नहीं, और बिजनेस पे जो इम्पैक्ट होगा वो शायद ज्यादा 1 आध महीने का इम्पैक्ट होगा, और वो भी उसके लिए हमारी काफी तैयारी पहले से रहेगी। मार्केट का जहां तक सवाल है, हो सकता है जब ये न्यूज आए तो मार्केट 10-15-20 दिन एक नीचे डाउनवर्ड रिएक्शन देगा, पर इसके वजह से इंडिया की जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है वो चेंज होती है मुझे तो बिल्कुल नहीं लगती। एक बार आपको कमेंट्री वो सुनवा देता हूं मैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा निफ्टी 18163 से रिकवर होके 18 करीब करीब 300 पे आ गया, 270, तो 150 पॉइंट, 130 पॉइंट की रिकवरी हमने निफ्टी में देखी है और यही हाल बैंक निफ्टी में भी। तो आपकी जो कमेंट्री ये सही जा रही है, ये अनजस्टिफाइड था मूव, अचानक इतना ज़्यादा पैनिक, 1000 पॉइंट टॉप से बैंक निफ्टी गिरा है, आज का हाई है करीब करीब ऑलमोस्ट 43600 और नीचे में 42365 के आसपास की कैंडल जो बनी थी। ठीक है, आपको कमेंट्री सुनवा दें फिर वापस आते हैं, एक बार सुन लीजिए वीके पॉल ने क्या कहा था। ओके, जो हमने अभी कमेंट्री चलवा देते हैं, कोविड से सतर्क रहने की जरूरत है, क्राउडेड प्लेसेस पे जाएं तो मास्क पहन के जाएं भीड़ भाड़ में, और अपने प्रिकॉशनरी डोजेस जरूर लगाएं जो मानसी भी कह रही थी। ये बताइए सर, बाजार का अट्रैक्टिव एरिया कौन सा है आपके हिसाब से, किसी भी पैनिक में कोई भी ट्रिगर आए कहाँ पे सबसे ज्यादा कंफर्ट आएगा लेने के लिए? आज तो आईटी और फार्मा डेज हाई पे कर दिया है, वो एक टेंडेंसी है, लेकिन अदरवाइज अर्निंग्स तैयारी कहाँ पे सबसे मजबूत है? देखिए, हमारा पिछले 6-9 महीने से एक व्यू हमने बनाया है कि जो कोर डोमेस्टिक इकोनॉमी रिलेटेड बिजनेसेस है वहां पर हमको ज्यादा तेजी लगती है। इंडिया में दो तीन चीजें हैं जो बहुत बड़ी स्तर पे चल रही हैं। एक है अर्बन स्पेंडिंग, मेक इन इंडिया, जो पीएलआई स्कीम की वजह से जो चीजें चल रही है, और केपेक्स साइकिल रिकवरी। ये जो दो तीन थीम है इसके अंदर जो सेक्टर्स आते हैं, चाहे वो बैंक्स हो, ऑटो हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो, आई थिंक यू नो दीज आर द सेक्टर्स जहाँ पर इन्वेस्टर्स को ऐसे मंदी में इन्वेस्ट करना चाहिए। जितनी भी ग्लोबल मार्केट रिलेटेड थीम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई टी सेक्टर है, यहाँ पर अभी भी बहुत ज्यादा कॉशियस रहने की जरूरत है, बिकॉज ग्लोबली कहाँ रिसेशन आएगा, कितना डीप आएगा, सेंट्रल बैंक किस तरह से बिहेव करेंगे। अभी हमने देखा अभी 2 दिन पहले किस तरह से जापान में इंटरेस्ट रेट हाइक आया एंड कैसे मार्केट ने रिएक्ट किया उसको। तो ग्लोबली चीजें अभी बहुत वोलेटाइल है, जबकि इंडिया की इकोनॉमिक रिकवरी, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, चाहे वो अनुमान से थोड़ी कम हो आधा 1%, बट फिर भी काफी प्रॉमिसिंग है। तो जितने भी डोमेस्टिक मार्केट रिलेटेड बिजनेस है, इन्वेस्टर्स को वहीं पर ही फोकस करना चाहिए, और खासकर बैंक्स बैंक्स ऐसी थीम्स है जहां पर हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं। डॉक्टर नैनी, आपने सही कहा, डोमेस्टिक मार्केट रिलेटेड बिजनेसेस पर फोकस करना चाहिए, और आपका स्टांस फार्मा पर वैसे नेगेटिव है, लेकिन इस वक्त सिचुएशन जो नजर आ रही है कोरोना के चाइना में बढ़ते केसेस के बाद, फार्मा, हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक में, खास तौर से आज डायग्नोस्टिक सेगमेंट में काफी अच्छा एक्शन नजर आ रहा है, क्या अपना स्टांस चेंज करेंगे आप, या फिर ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस इन पर्टिकुलर डायग्नोस्टिक और हेल्थ केयर आपको ठीक लग रहा है? देखिए, आप अगर आप पिछले कोविड से भी लर्न करेंगे तो ये कोविड की वेव चलती है 2-3 महीने, बहुत सारी कोविड टेस्टिंग होती है, इन कंपनीज की रेवेन्यू अच्छी बढ़ती है, पर ये सब टैक्टिकल ट्रेड होते हैं। कोविड के वजह से हमने ये नहीं देखा कि कंपनीज की रेवेन्यू ग्रोथ जो 10-15% थी वो सस्टेनेबल बेसिस 15-20% या 20-25% हो, राइट? तो आज भी जो मार्केट्स, ये जो डायग्नोस्टिक स्टॉक्स में जो तेजी आई है, ये टैक्टिकल ट्रेड है मेरे हिसाब से, ये लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ आउटलुक है उसको चेंज नहीं करते हैं। और खासकर डायग्नोस्टिक स्पेस में हमारा अभी भी काफी कंसर्न है कि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो बहुत अंडर पेनिट्रेशन है इस कैटेगरी की, पर इस कैटेगरी में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम कॉम्पिटिशन की है। हॉस्पिटल्स है, नए एंट्रेंट्स है, टेक टेक बेस्ड प्लेयर्स है, ये सब इस मार्केट में आना चाहते हैं, और आफ्टर पॉइंट आप देखें तो इन कंपनीज के अंदर बहुत ज्यादा कोई टेक्नोलॉजी लेड एंट्री बैरियर नहीं है। तो इसके लिए जस्ट बिकॉज कोविड के वजह से हमको अभी भी इसमें इतनी ज्यादा तेजी लगती नहीं है फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू।
ठीक है पवन जी, एक और चीज़ बताइए, क्योंकि ये मैटर चाइना से जुड़ा हुआ है कोविड का, और आप एक चीज़ के लिए और चाइना जाना जाता है। पिछली कोविड में हुआ था कि क्रूड हो, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो हार्ड कमोडिटीज हो, सब में गिरावट आने वाली है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये कोविड का मामला चाइना में बढ़ता है और उसकी वजह से दूसरे वर्ल्ड में भी अगर सब जगह ये बात फैलता है, तो स्टील प्राइसेस, एल्यूमिनियम, कॉपर, क्रूड, सबकी प्राइसेस क्रैश होनी चाहिए, बिकॉज डिमांड अगर कम होगी तो ये प्राइसेस सस्टेनेबल है नहीं। पर जहां तक डॉलर इंडेक्स का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है लास्ट 6-9 महीने में जो डॉलर इंडेक्स अप्रिशिएट हुआ था वन साइडेड, वो उसका काफी बड़ा कारण कोविड नहीं था, उसका काफी बड़ा कारण ये था कि जो यूएस में इंटरेस्ट रेट हाइक हो गई थी, राइट? एंड अक्रॉस द वर्ल्ड अब क्या हो रहा था, पैसा जो है वो यूएस में जा रहा था। अब मुझे ऐसा लगता है कि यूएस में एटलीस्ट भले ही हाइक्स होते रहे, एक आध दो बार और हाइक्स होंगे, पर अब वो हाइक 75 बिप्स के रहे नहीं, और देयर इज अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी कि आगे जाकर ये हाइक 50 बिप्स भी ना रहे, 25 बिप्स हो जाए। तो जहां तक वो डॉलर इंडेक्स का ध्यान में रखने वाली बात है, मुझे नहीं लगता वो ट्रेंड कंटिन्यू होगा। पर हाँ, कोविड के चलते कमोडिटी प्राइसेस प्रेशर में रह सकते हैं, और एक्चुअली में अगर कमोडिटी प्राइसेस प्रेशर में आते हैं तो कुछ हद तक ये इंडिया के लिए बेनिफिशियली भी है। ठीक है, तो चलिए, ये रहा इस वक्त मेटल पैक पर आती हुई दिख रही है, लेकिन कई सारे सेक्टर्स हैं जिनमें हमने एक्शन थ्रू आउट 2022 देखा है, और नए साल की शुरुआत में भी, जैसे डिफेंस प्लेस की अगर हम बात करें, डिफेंस क्षेत्र में सरकार का भी एक बड़ा फोकस रहा है, इस पर टच बेस करना चाहेंगे पवन आप? जरूर जरूर, मुझे लग सकता है कि काफी बरसों और दशकों के बाद में गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा माइंडसेट चेंज हुआ है। आज से 5-7 साल पहले भी कंट्रीज थी जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल और ये सारी मिसाइल्स की रिक्वायरमेंट रखती थी, पर हम एक्सपोर्ट नहीं करते थे। अब आज हमने एक्सपोर्ट करने का मन बना लिया है, और खासकर बहुत सारी डिफेंस आइटम्स हमने इम्पोर्ट बैन लिस्ट में डाल दिया है कि अगर गवर्नमेंट को खरीदना है तो गवर्नमेंट को डोमेस्टिक सोर्स से ही खरीदना है। तो डिफेंस मुझे ऐसी थीम लगती है जो इंडिया में अभी काफी लंबे तौर तक ये थीम चलेगी, क्योंकि इंडिया, आप समझिए एक बात को, कि इंडिया इज अ वेरी 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 बिग लार्ज स्पेंडर ऑफ डिफेंस। इंडिया के आजू बाजू की जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, इट इज मोर इम्पोर्टेंट दैट इंडिया स्पेंड्स मोर स्मार्टली ऑन डिफेंस। डिफेंस पे खर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये सब उस टाइम पे हो रहा है जब वर्ल्ड एक डिफेंस के दौर पे जा रहा है। डेवलप कंट्रीज जैसे जापान हो, जर्मनी हो, ये अपने डिफेंस बजट बढ़ा रहे हैं, तो इसके वजह से क्या है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो डेवलप मार्केट इन्वेस्टर्स है उनको भी समझ में आ गया है कि ESG थीम के अंदर जो डिफेंस को जैसे ब्लैकलिस्ट करके रखा हुआ था इन्होंने, इसको अब ऐसा करना समझदारी वाला काम नहीं है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव से देखें, बिजनेस परस्पेक्टिव से देखें, गवर्नमेंट का माइंडसेट चेंज से हिसाब से देखें, तो डिफेंस इंडिया में मुझे ऐसा लगता है काफी बड़ी स्टोरी होगी अगले 5-7 साल की। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आज पवन पारेख। चलिए आगे बढ़ते हैं।